हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड में यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स का लास्ट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स फ्री। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, इसमें हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग टू और मोर वेरिएबल्स। लीनियर मींस जिसकी पावर वन हो, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी होती है एक्स वाई जेड। सो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग टू और थ्री वेरिएबल्स तक ही हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो अगर हमारी टू वेरिएबल्स हुए तो हमें मिनिमम कितनी इक्वेशंस चाहिए, टू इक्वेशंस। अगर थ्री वेरिएबल्स हुए तो हमें कितनी इक्वेशंस चाहिए, मिनिमम थ्री इक्वेशंस, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सो अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। चाहे एक सॉल्यूशन आए या एक से ज्यादा आए, सॉल्यूशन आने चाहिए, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। If its solution exists, solution one भी हो सकता है और more, infinite भी हो सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, consistent system। और inconsistent system means वो system of linear equation जिसमें solution exist ही नहीं करता, ठीक है। System of equations is said to be inconsistent if its solution doesn't exist, solution exist करे system of equations का उसको हम कहेंगे consistent, otherwise inconsistent, ठीक है। इस chapter में जो हम discuss करेंगे वो होगा हमारा consistent system। कंसिस्टेंट सिस्टम में भी वो सिस्टम जिसमें सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कंसिस्टेंट में वन टू इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर वो केसेस देखेंगे जहां पे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी है विच हैज यूनिक सॉल्यूशन, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हुआ उससे हमें डील करना है, वही हमारे सिलेबस में है। लेकिन आपसे 1 और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, बताओ कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। सो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। सो वो कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है या कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ली हैं ऑफ थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। टू वेरिएबल्स होगी तो हमारी एक इक्वेशन डिलीट हो जाएगी, सिर्फ ये दो इक्वेशंस रहेंगी, ठीक है। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ली है ऑफ थ्री वेरिएबल्स, तो हम जो निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, using inverse of a matrix, ठीक है। inverse of a matrix की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि inverse जो होता है वो यूनिक होता है। सो inverse of a matrix की हेल्प से अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका जो आएगा सोल्यूशन वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। इसीलिए हम इस चैप्टर में यूनिक सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ली है, वो थ्री वेरिएबल्स लिए है, एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स। So, इसको मैं किससे डिनोट कर देती हूँ, कैपिटल एक्स से वेरिएबल्स को, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। सो ये किस ऑर्डर की हो गई मैट्रिक्स, थ्री रोज है एंड वन कॉलम, थ्री क्रॉस वन, ठीक
ठीक है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, ये मेरे क्या है, फिक्स्ड नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, कोई भी हो सकते हैं, -2, -3, कोई भी, ठीक है, XYZ यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स, हमें XYZ की वैल्यूज निकालनी होती है यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है. सो बी में किसको कंसिडर करूंगी, D1, D2, D3, D1, D2, D3 को मैं बी कंसिडर करूंगी, ठीक है. ये भी क्या है, 3x1 की मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 1 कॉलम. ए मैट्रिक्स में किसको कंसिडर करूंगी, ये जो है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, सो इनको कंसिडर करूंगी, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, या तो सेकेंड ऑर्डर की या थर्ड ऑर्डर की, बिकॉज हम 2 और 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. सो मैंने एक्स ए बी लिख लिया, मैट्रिसेस लिख ली. आप जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, AX इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी लिखूंगी तो मेरी यही चीज आ जाएगी. देखिए कैसे, AX इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखते हैं. ए क्या है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. X क्या है, XYZ इक्वल्स टू, B क्या है, D1, D2, D3. सो ये यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इक्वल्स टू D1 आ गया, यही चीज आ रही है. सो मैं इसको AX इक्वल्स टू B की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया मैंने, ठीक है. आप देखो, अब इसमें दो केसेस आते हैं. केस वन होगा इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ये मेरी A मैट्रिक्स है, ये मेरी X है, ये B है. अगर A मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है. अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इस सिस्टम AX इक्वल्स टू B में, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इनवर्स की बात कर सकती हूँ. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं. देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है. सो अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है. हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है, AX इक्वल्स टू B. तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैं A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इस इक्वेशन को. सो मैं प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ A इनवर्स से. सो मैं इसको कंबाइन कर सकती हूँ, क्योंकि A इनवर्स इनटू AX एसोसिएटिविटी होल्ड करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में. A इनवर्स इनटू A क्या होता है, आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, सेम मैट्रिक्स रहती है. सो मेरे एक्स क्या है, XYZ वेरिएबल्स, तो मुझे एक्स की ही वैल्यू निकालनी थी. एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, ए इनवर्स निकालो, उसको बी से मल्टीप्लाई कर दो. सो अगर हमारी ए नॉन सिंगुलर है, मींस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, सो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे. सो XYZ वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, एक्स क्या होगा मेरा, ए इनवर्स इंटू बी. ए इनवर्स निकालो, बी से मल्टीप्लाई कर दो. इनवर्स कैसे निकालते हैं, आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है. सो ये मैंने प्रूफ आपको बताने के लिए किया था, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो. अगर ये कंडीशन है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, ठीक है. सो सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे आएंगी, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो यूनिक होता है. देयरफॉर जो सॉल्यूशन आएगा इस केस में, व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर, वो यूनिक आएगा. यही चीज मैंने लिखी है कि जो मैट्रिक्स इक्वेशन है वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देगी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, क्योंकि जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो यूनिक है. तो इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा, और कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है. अब क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हुई मेरी, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट सिस्टम है ये,
कंसिस्टेंट सिस्टम मीन्स जहां पे एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेते हैं, केस टू। ax इक्वल्स टू b तो है ही, ठीक है। केस टू में अगर a जो है सिंगुलर हो जाए, a सिंगुलर का मतलब होता है कि जो डिटर्मिनेंट है a का वो जीरो आ जाए। अगर डिटर्मिनेंट a का जीरो आ जाएगा तो उसमें दो कंडीशंस होंगी, आपको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकालना होगा अगर वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, दो केसेस होंगे, ठीक है। अगर एडजॉइंट ऑफ b नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है, इट मींस दैट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, नो सॉल्यूशन की बात हो जाएगी। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इक्वल्स टू जीरो आता है, इट मींस इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशन तो है, चाहे इनफाइनाइटली मैनी हो, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम कैसे पता लगेगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कैसे पता लगेगा, ये पता लग गया। सबसे पहले आपको ए देखना है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है मींस उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और सॉल्यूशन इस तरीके से निकालेंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक है। उसके बाद अगर a सिंगुलर आ जाता है, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, तो दो केसेस आएंगे, आपको एडजॉइंट ऑफ a इनटू b निकालना है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, इट मींस सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, और उस केस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर इक्वल्स टू जीरो आ जाता है एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, इट मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और उस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, क्लियर। ये मेरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। दो केसेस आएंगे, एक तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो मीन्स a क्या है, नॉन सिंगुलर, एक डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू जीरो मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो उस केस में उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b से, और ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू जीरो है, तो उसके दो केसेस बनेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, सेकंड में एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इक्वल्स टू जीरो आएगा। नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, इस केस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इक्वल्स टू जीरो है, इट मींस इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इस केस में कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। हमें इस चैप्टर में सिर्फ ये बताना होगा कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सेकंड अगर हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन इसके लिए पूछा जाएगा, इनके लिए आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना, इसका तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसका सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज ये आउट ऑफ कोर्स है। सो आपको यूनिक सॉल्यूशंस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एक चीज और देखिए, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, वैसे तो यही मेथड से, लेकिन जो हमने देखा था ax इक्वल्स टू b से हम x कैसे निकालते थे, a इनवर्स b, ठीक है। सो इस मेथड से अगर हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इसको, इस मेथड का क्या नाम है, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। सो दिस मेथड और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स मेथड में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या आता है, यूनिक आता है, ठीक है। केस वन डिस्कस किया था, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड। सो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा या नहीं होगा, पर इससे कंफ्यूज मत होना, अगर ये लिखा हो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इसका मतलब आपको यही अप्लाई करना है केस वन, ठीक है।
आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, कितनी इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस, कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स, दो या तीन वेरिएबल्स सभी आएंगे आपके कोर्स में, इतना ही है, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ये आपको गिवन है। मैट्रिक्स मेथड मींस केस वन होगा, केस वन मींस ए क्या आएगा यहाँ पे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो ए क्या होगा मेरा, 2 3 5 2, बी क्या होगा मेरा 1 7, ये 2x2 की है, ये 2x1 की है, एक्स क्या होगा मेरा, दो ही वेरिएबल है एक्स वाई, ये भी 2x1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ax equals to b इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, राइट, ये मैट्रिक्स मेथड है। तो आप देखो, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, देखना है सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 × 2 − 3 × 5, दैट इज 4 − 15, मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, −11, −11 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स जो ए है वो मेरी क्या है, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है, मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, तो हम केस 1 अप्लाई करेंगे, कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी करके। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मैंने निकाल लिया, −1 आया, −11 आया, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का इजी तरीका बताया था, जो डायगनल एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज करना है, और जो ये बाकी के दो एलिमेंट्स है इनका साइन चेंज करना है, ये मेरा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो मेरा ए इनवर्स क्या आ गया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, −11 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 − 3 − 5 2। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स, एक्स क्या होता है मेरा, ए इनवर्स इनटू बी, सो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी होता है, ए इनवर्स लिखो, बी नहीं लिख सकते आप पहले, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती, इसलिए पहले ए इनवर्स लिखना है फिर बी लिखना है। बी मेरी कौन सी मैट्रिक्स है, 1 7। सो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाए। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x1 की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर। So, जो मेरी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, −1/11, तो आप बाहर ही लिख लो, देखो किस ऑर्डर की आएगी, इसकी रोज लेनी है और इसके कॉलम्स लेने हैं, ये क्या है 2 1, सो क्या आ जाएगा, 2x1 की मैट्रिक्स आ जाएगी, 2 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं आपको पता है, 2 − 35 − 3 + 14, सिंपल, सो अब इधर देखो x क्या आ गया मेरा, −1/11 × −33/11, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये कोई भी स्केलर है कोई भी नंबर, इसको अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो दोनों एलिमेंट से, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 33/11 3 आ गया, माइनस आ गया 11/11 1 आ गया, सो मेरा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 और वाई की वैल्यू क्या आ गई −1, जो मेरा एक्स था वो क्या था, एक्स वाई ही तो था, सो एक्स की क्या वैल्यू आ गई 3 और वाई की क्या वैल्यू आ गई −1, यही मेरा आंसर है। सॉल्यूशन निकालना होता है एक्स का, एक्स वाई दो ही वेरिएबल्स है तो दोनों की वैल्यूज आ गई, ये आपका आंसर है, क्लियर। आज के
वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे या आप मुझे मेल कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट देयर। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय।